मैं अच्छा एक दफ़ा गया, मैं बड़ा सिंध में गया ना, वहाँ भी यही रस्म थी। अब किसी ने बताया कि इनके किसी का इंतकाल हो गया था, तो अब यहाँ आप जा रहे हैं तो आपने दुआ ज़रूर करानी है। मैंने कहा इंतकाल हुए हुए महीना हो गया यार, इनसे कहो बस हो गई दुआ। मैंने इरादा किया मैं ये हाथ उठा के दुआ नहीं मांगूंगा, एक रस्म बन चुकी है ना। और फिर वो एक साहब आए, कहने लगे मुझसे साहब दुआ करा दें, इंतकाल हुआ है। मैंने कहा दिल से दुआ है, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, काफ़ी है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा मगफिरत हो जाएगी। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैं ताज़ियत के लिए नहीं गया था, मैं तो वैसे ही किसी काम के लिए गया था। फिर थोड़ी देर में हजरत दुआ बहुत ज़्यादा हो गई ना, मैं भी ढीठ। मैंने कहा नहीं, फिर कहने लगे अब्बा के लिए। मैंने कहा यार ऐसा ना हो अब्बा कब्र से निकल के आ जाए, दुआ करा दे वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने जान छुड़ाने के लिए मैंने कहा अच्छा भाई करा रहा हूँ, तुम बड़े ढीठ हो यार, तुम छोड़ोगे नहीं। मैंने दुआ करी अल्लाह इनके अब्बा की मगफिरत कर दे, अल्लाह ये मेरा स्टाइल है, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे अगर तूने इनको माफ़। ये क़यामत के दिन आएंगे कि अगर कुछ हुआ ना अब्बा को, क़यामत के दिन फिर घेर लेंगे। तो KPK वाले तो इससे भी ज़्यादा सख्त होते हैं, ये तो सिंध